बस्कर। तो फाइनली डेडपूल और वुल्वरीन का फाइनल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और ये है उसका ब्रेकडाउन वीडियो। ये ट्रेलर स्टार्ट होता है डेडपूल को इस जंगल में दिखाने से। वैसे ये वही लोकेशन है जहां पर लोगन फिल्म का थर्ड एक्ट हुआ था। डेडपूल यहां पर दूसरे वुल्वरीन्स को फाइंड आउट करने के लिए निकला है क्योंकि उसे लगता है रीजनरेटिव पावर्स की वजह से वुल्वरीन्स इमॉर्टल्स हैं और वो शायद उस ग्रेव के अंदर अभी भी जिंदा होगा। लेकिन डेडपूल को वुल्वरीन ही क्यों चाहिए, कोई और एक्समैन क्यों नहीं? तो डेडपूल के फर्स्ट फिल्म से ही हम लोगों को ये पता है कि उसे एक्समैन पसंद नहीं है क्योंकि वो हमेशा नियमों को फॉलो करते हैं और डेडपूल 2 में तो एक्समैन उसे जेल में ही डाल देते हैं। लेकिन वुल्वरीन उसके यूनिवर्स का हीरो है और वो टिपिकल एक्समैन से बहुत अलग है। अभी इस यूनिवर्स में कौन है वो हीरो वाला वुल्वरीन ये तो पता नहीं, पर जिस तरीके से वेड के पास ये खिलौना है उस हिसाब से डेडपूल का यूनिवर्स और लोगन फिल्म का यूनिवर्स सेम है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को देखने मिलता है वॉइड का ये सीन जहां पर ये एक स्पेस स्टेशन है और ये है एस्गार्ड जिसे क्लासिक लोकी सीजन 1 में क्रिएट करता है। वैसे मेरे को उस टाइम पर लगा था कि ये बस एक इल्यूजन है लेकिन ये तो एकदम रियल लगता है। इस शॉट में दिखाया जाता है वुल्वरीन और डेडपूल एक दूसरे के आमने सामने है और ये एक पुराना वॉरशिप है। अभी इस शॉट का सिनेरियो भी सेम है लेकिन ये जो पीछे का वॉरशिप है ये बहुत ही मॉडर्न है, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से एक मॉडर्न हेलीकैरियर जिसमें ब्लेड्स नहीं बूस्टर्स लगा हुआ है। इस शॉट में डेडपूल के पीछे है 20th Century Fox का लोगो जो शायद उस यूनिवर्स को एक्नॉलेज कर रहा है जिस यूनिवर्स में पिछले 2 डेडपूल मूवीज बने हैं। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को कनाडा का एक शहर दिखाया जाता है वैंक्यूवर और ये वही कंट्री है जहां से ओरिजिनल डेडपूल और वुल्वरीन रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन बिलोंग करते हैं। वैसे एक्समैन फर्स्ट क्लास यहीं पर ही शूट हुआ था। अभी इस शॉट में दिखाया जाता है लोगन का डॉग टैग जो एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन से बिलोंग करता है। ये शॉट भी उसी फिल्म का है और फिर हम लोगों को लोगन फिल्म के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं पर एक्समैन फिल्म का कोई भी शॉट इधर पे यूज नहीं किया गया है जबकि वुल्वरीन तो वहां पर भी है, तो ये शायद टाइमलाइन से रिलेटेड है। अगर एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की टाइमलाइन को ओरिजिनल टाइमलाइन समझा जाए तो फिर एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन कभी हुआ ही नहीं था क्योंकि उस फिल्म में स्ट्राइकर लोगन को अलग तरीके से कैप्चर करता है और इन शॉट्स में एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन और लोगन के शॉट्स को यूज किया जाता है जबकि इन दोनों के बीच में एक और फिल्म है द वुल्वरीन। तो इस फिल्म के शॉट्स मिसिंग क्यों है? मेरे ख्याल से एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन और लोगन का स्टोरी एक्समैन के ओरिजिनल यूनिवर्स में बिलोंग नहीं करता क्योंकि एक्समैन के हर एक फिल्म में लोगन और जीन का एक कनेक्शन दिखाया जाता है और ये कनेक्शन द वुल्वरीन फिल्म में भी है जो एक्समैन लास्ट स्टैंड के बाद स्टैंड करता है, बट लोगन फिल्म में जीन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। पर ऐसा भी हो सकता है कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद लोगन प्रोफेसर बन जाता है और फिर किसी रीजन से सारे म्यूटेंट्स खत्म हो जाते हैं जिसके बाद लोगन फिल्म का इवेंट होता है। पर जो भी हो ये अभी एमसीयू में आने वाले हैं तो अभी एक्समैन के टाइमलाइन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है एलायड जो जायंट मैन के सामने है, एक्चुअली डेड जायंट मैन, लेकिन एंट मैन का ये वेरियंट मरा कैसे और ये किस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तो एंट मैन क्वांटमेनिया फिल्म में हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारे एंट मैन जो कैंग के उस ऑर्ब को लेने की कोशिश कर रहे हैं और लोकी सीजन 2 में हम लोगों को देखने मिलता है जब ये नूडल बनते हैं तब ये डेड होकर वॉइड में चले आते हैं। तो क्वांटमेनिया में भी हम लोग इस जायंट एंट मैन को मरते हुए देखते हैं और प्रोबेबली ये उसी जायंट मैन का स्केलेटन है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है कैसेंड्रा नोवा जो एंट मैन के स्केलेटन के अंदर है। ये इस फिल्म की एक विलन है और इस शॉट में शायद वो अलायत को कंट्रोल कर रही है क्योंकि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है और अलायत उसकी तरफ टर्न हो रहा है। अभी इधर पे वुल्वरीन अपने क्लॉज को निकालता है मतलब वो फाइट के लिए रेडी है, बट कैसेंड्रा इधर पे एकदम नॉर्मल है मतलब अलायत कैसेंड्रा के लिए कोई थ्रेट नहीं है। क्वांटमेनिया में कैंग कहता है कि वो अलायत को वेपनाइज करता है और फिर वो उसे यूज करके मल्टीवर्सल वॉर को जीत जाता है। तो हाँ, कैसेंड्रा के जैसे एक पावरफुल टेलीपैथ के लिए अलायत को कंट्रोल करना ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। ये सीन पूरा का पूरा मैड मैक्स का फील दे रहा है। वैसे इस कप के एक ट्रक को हम लोगों ने मून नाइट में भी देखा है। इस शॉट में एक एक्समैन है जिसका नाम है टोड या टॉड जो भी कहो। वैसे ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैड मैक्स का फील दे रहा है जहां पर ये वॉयड है वेस्टलैंड और कैसेंड्रा है इमॉर्टन जो। कैसेंड्रा अभी इस रैम को सीढ़ी में कन्वर्ट करती है और उसके पीछे एक व्हील चेयर भी है, तो शायद वो इधर पे किसी को बताना चाहती है कि वो चल सकती है, मतलब वो प्रोफेसर की तरह नहीं है। इस शॉट में वो लोगन को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं और इस शॉट में दिखाया जाता है लोगन का विजन जहां पर ये स्टोन्स एक्समैन के ग्रेव्स हैं जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का एक नॉड है और शायद उनके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये खेत या फिर इस खेत के फल, मतलब ये एक कॉर्न फील्ड है। और लोगन फिल्म में हम लोगों को बताया जाता है कि कॉर्न सिरप या फिर ग्लूटन म्यूटेंट जीन को खत्म कर रहा है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस लोगन के यूनिवर्स में दूसरे म्यूटेंट्स के डेथ के लिए ये कॉर्न सिरप ही रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है डेडपूल का वो सेंटिमेंटल डायलॉग
डायलॉग। फिर हम लोगों को इस शॉट में दिखाया जाता है ये गोल्डन गेट ब्रिज, और इस शेप में हम लोगों ने इसे एक्समैन लास्ट स्टैंड में देखा था। यहाँ पे है ये कपकेक ट्रक, ये है रेड स्कल का कार, और ये शायद है फैंटास्टिक फोर का व्हीकल जिसे हम लोगों ने राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में देखा था। तो शायद इधर पे फैंटास्टिक फोर के कुछ मेंबर्स डेडपूल और वुल्वरीन को कैसेंड्रा के कैद से छुड़ाएंगे। ये है सेवरटूथ। नेक्स्ट शॉट में देखने मिलता है कैसेंड्रा टीवीएफ में है, और इस फिल्म में शायद इनका मोटिव टाइम लाइन के साथ कुछ करना है। वैसे ये फ्लोर और वॉल्स का डिजाइन टीवीएफ के जैसा ही लग रहा है, पर मेरे को नहीं जानना है कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि जितना दिमाग लगाऊंगा उतना ही स्पॉइल्ड हो जाएगा, और मेरे को भी ये फिल्म एंजॉय करना है। आखिरी शॉट में दिखती है लोगन की बेटी लॉरा, लेकिन इधर पे क्वेश्चन आता है ये इधर पर कैसे है। तो शायद डेडपूल और वुल्वरीन अभी लोगन की यूनिवर्स में ही है, बट वो फ्यूचर में है, क्योंकि इधर पे हम देख भी सकते हैं कि लॉरा भी बरी हो चुके हैं। तो मतलब लॉरा के लिए ये प्रेजेंट टाइमलाइन है, बट लोगन और डेडपूल के लिए ये फ्यूचर है। अभी ये लोग जब अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पास्ट में लौटेंगे, मतलब अपने टाइम में लौटेंगे, तब उसके बाद शुरू होगा लोगन फिल्म का स्टोरी। मतलब ये जो वुल्वरीन है ये लोगन फिल्म में खत्म हो जाएगा, पर ये दोनों अगर इस फिल्म के प्रॉब्लम्स को सही कर देते हैं तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, और क्या। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।